खाओ पियो ऐश करो, भगवान भगवान कुछ नहीं होता, बंदा एक बार मरता है, मुझे पता है मरने के बाद कहा जाता है, ऐश करो ऐश, टेंशन की बात नहीं। ये लोग होते हैं भौतिकवादी जो अपना सारा जीवन खाने पीने तथा सोने में व्यतीत कर देते हैं और इन्हें अपने जीवन का परम लक्ष्य नहीं पता होता। और हम देखते हैं कर्म कांड। हम तो भी जैसे हैं वैसे रहेंगे। निरंजन तू कर ले गंत ये है सकाम कर्म। कर्म फल में उलझे रहते हैं और कर्म के साथ कुछ फल भगवान को देते हैं और कुछ अपने ही पास रख लेते हैं। उनसे ऊपर है निष्काम कर्म। अब उन्हें देखते हैं। इतनी सारी सेवा कर ली फिर भी बाकी है। काम कर्मी कर्म फल के प्रति तो आसक्त नहीं होते बट कर्म के प्रति होते हैं। ये वही करते हैं जो करना चाहते हैं, वो नहीं जो करना चाहिए। निष्काम कर्मी योगी के ऊपर होते हैं ज्ञान योगी। चलिए उन्हें देखते हैं। ज्ञान योगी, ज्ञान योग में लोग ज्ञान तो बहुत बटोरते हैं लेकिन उसका कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं होता। ऐसे लोग निरस होते हैं। इससे ऊपर होते हैं अष्टांग योगी। गाना बजा देना, मेरा ना ध्यान ही ना देती भाई। तुम यार क्या करके मानोगे? तुम मेरे तो
बता दो। इतनी बार तरह लग रही है मेरे ध्यान कैसे कैसे कर दी, समझना तो करती बता। लगाना बहुत मुश्किल है और इसके लिए एकांत और पवित्र स्थान होना बहुत जरूरी है जो कि मुश्किल है। आइए हम दूसरे एग्जाम्पल पर चलते हैं। चना चोर गरम, चना चोर गरम। मम्मी चने की सब्जी बन रही है ना, मेरा तो हो गया प्रणाम, मैं अभी आ रही हूँ। प्राणायाम सेहत के लिए तो अच्छा है लेकिन ये शारीरिक स्तर पर ही है, इसके ऊपर भी कुछ है, आइए हम देखते हैं। एक महान संत सीधा स्वामी ने कहा है कि भक्ति योग का जो मार्ग है इतना प्रभावशाली है कि अगर कोई व्यक्ति इस मार्ग में आंख बंद करके भी दौड़ेगा तो वो नीचे नहीं गिरेगा। दूसरे शब्द में ज्ञान से अज्ञान से किसी भी माध्यम के द्वारा हम भगवान की सेवा में जुड़े उसमें लाभ। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल स्टे हाई फॉरएवर एंड आल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट